को जीत दिलाई। हाँ, बेस्ट मिडफील्डर ऑफ टूर्नामेंट। मैं बुलाना चाहूंगा मैकम के ही जो मैनेजर यहाँ पर आए हैं, पीके दास जी, वो आएंगे और उनको सम्मानित करेंगे। सत्ती से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप ये अवार्ड रोहन को दें। नहीं है वो, आप जाए प्लीज। तो बेस्ट मिडफील्डर ऑफ द टूर्नामेंट रोहन, इधर आगे देखिए, तालियां बनती है नहीं इनके लिए। बेस्ट राइजिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, और ये जाता है हेल स्पोर्टिंग के जर्सी नंबर 9 सुमित जी। सुमित भी यहां पर आएंगे। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा श्री पंकज तिर्की जी से इनको। अगला पुरस्कार है फाइनल के मैन ऑफ द मैच का, और फाइनल के मैन ऑफ द मैच को सम्मानित करेंगे बड़े भाई वर्ल्ड चैंपियन वेटलिफ्टर इंद्रजीत सिंह जी, उनको मैं सामने बुलाना चाहूंगा। एक बार तालियां भैया के लिए। वेटलिफ्टिंग में एक मैच बने हैं, फिर से मैं बुलाना चाहूंगा मैकॉन स्पोर्ट्स के रोहन को, शानदार स्कोर करके अपनी टीम को जीत दिलाई। सीढ़ी से जोदा तालियां हो जाए एक बार रोहन के लिए। बड़ा गेम, बड़ा प्रदर्शन रहा इनके द्वारा, और अपनी टीम को अंततः जीत दिलाई रोहन ने। और अब पारी है मैन ऑफ द सीरीज को सम्मानित करने की। मैं बुलाना चाहूंगा मैन ऑफ द सीरीज को सम्मानित करने के लिए डॉक्टर अरुण उराव जी को, और ये प्राइज स्वर्गीय लक्ष्मी प्रिया सहदेव के सौजन्य से जाता है मैन ऑफ द सीरीज का प्राइज। और इस खिताब को जीता है काफी अनुभवी झारखंड टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी हेल स्पोर्ट के जर्सी नंबर 50 राजू मंडल। राजू मंडल जी आप जहां भी हैं जल्द आए। लगता है राजू मंडल को अपने खेल पे विश्वास नहीं था, लेकिन हमारी कमेटी ने, हमारे जो जज थे, उन्होंने बहुत ही शानदार चयन किया है। राजू मंडल वर्तमान में धनबाद रेलवे में कार्यरत, स्पोर्ट्स कोटा से इन्होंने नौकरी ले ली अपने खेल के दम पर। तो जैसे कि कह रहे थे सर, करियर बनाए अपने खेल में, तो ये खिलाड़ी प्रेरणा स्रोत है। जो गरीब घर से आते थे, लेकिन खेल के बदौलत इन्होंने एक नई ऊंचाई को छुआ और अंततः रेलवे ने इनको नौकरी दी। राजू मंडल को बधाई, विलंब न करते हुए मैं बुलाना चाहूंगा रनर टीम के जो कैप्टन हैं और प्लेयर हैं, वो सामने आ जाएंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा फिर से बड़े भाई इंद्रजीत सिंह से, कैप्टन सीवा नितिन यहीं पर रहे, भैया ऊपर रहेंगे, या तो भैया को भी बुला लीजिए। काफी शानदार ट्रॉफी है ये, चमचमाती ट्रॉफी जाती है हेल स्पोर्टिंग को, मेजबान टीम है, और बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा। एक छोटी सी गलती इनको चैंपियन बनने से कहीं ना कहीं रोक दी, लेकिन गलतियों को सुधार कर हम चाहेंगे अगले साल आप चैंपियन बने। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, अपनी मेहनत यूं ही जारी रखें। 3 चेयर्स फॉर हेल स्पोर्टिंग, हिप 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 हिप। मेडल और इंडिविजुअल प्राइज वॉकिन स्टाइल की ओर से, ये इंडिविजुअल प्राइज जैसा है, तो वॉकिन स्टाइल को जो हमारे ऑफिशियल पार्टनर है इस टूर्नामेंट के, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैन ऑफ द मैच के लिए लाला फेम कलेक्शन को भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बारी है चैंपियन को। ख्वाब उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों की उड़ान होती है। लगातार दूसरा साल बैक टू बैक चैंपियन मैकॉन स्पोर्ट्स रोहन जी। मैं हमारे हेल स्पोर्टिंग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण उराव जी से रिक्वेस्ट करूंगा
ये काफी यादगार लम्हा है और हम चाहेंगे इस यादगार लम्हे को हमेशा यादों में रखें। हमारे मुख्य अतिथि उनको मोमेंटो और सोल देकर सम्मानित करें। जोरदार तालियां एक बार निश्चित तौर पर इनके आते ही हटिया विधानसभा की जो जो काया है वो पलट गई है। इसीलिए ये लगातार 3 साल ये भी जीतते जा रहे हैं चैंपियन मेकॉन की तरह। तो मेकॉन के खिलाड़ी बिल्कुल तैयार हैं ट्रॉफी और कैश अवार्ड के साथ चमचमाते इंडिविजुअल प्राइज भी इनके लिए। कैप्टन और खिलाड़ी और हम चाहेंगे सभी अतिथिगण आए और हम आ जाए। आप लोग आ जाए मैं कौन स्पोर्ट तालियां एक बार जोरदार बनती है इनके लिए। किसी ने क्या खूबता है रातों से जंग जितने जीती वही सूरज बनकर चमकता है। मेकॉन स्पोर्ट के खिलाड़ी चैंपियन ट्रॉफी मुख्य अतिथि के साथ पहले स्पोर्टिंग मैकॉन स्पोर्ट्स के कैप्टन दीपक से मैं जुड़ना चाहूंगा। बैक टू बैक लगातार दूसरे साल अपने अपनी टीम को यहां पर जीत दिलाई है। आपका काफी व्यस्तम रहता है काफी टूर्नामेंट खेलते हैं कैसे अपने आप को अपने खिलाड़ियों को फिट रखते हैं व्यस्त रहते हैं पर लेकिन रोज का रेगुलर होता है। मैं कैसी तरह से खेल पाते हैं क्या बोले हम लोग तो बहुत ज्यादा उम्मीद था।